मेरा नाम सबरीन है, मेरे मम्मी का नाम नूर बानू है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने में स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, और दूसरी जगह भी तीन बार कंप्लेंट दिए कि तीन बार भी केस फाइल करे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने और लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक खातून पर पेश आई बेरहमाना कत्ल की वारदात। नाजरीन, आजकल बड़े ही अफसोस की बात है कि शहर हैदराबाद में कत्ल और कातिलाना हमलों की वारदातों से लड़कियां व खवातीन भी महफूज नहीं। हमारे मुल्क का कानून कातिलों व हमला आवरों के आगे इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो गया है कि खवातीन की हिफाजत भी ना कर सके। आखिर कब तक हमारी बहू, बेटी, माँ अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में अपने आप को महफूज महसूस नहीं करेगी। तफसीलात के मुताबिक कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत नूर बानो नामी 45 साल बेवा खातून, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, शौहर के इंतकाल के बाद से ही इलाके में रहने वाले दरिंदा सिफर शख्स, जिसका नाम शेख नसीरुद्दीन उर्फ शेख हबीब है, जो कि खातून को मुसलसल हरासा करते आ रहा है। नूर बानो, जिनके चार बेटियां और दो बेटे हैं, खातून अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे कि अचानक बाबा नगर उमर होटल के करीब दरिंदा सिफत हबीब ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और अपने साथ सत्तूर भी ले आया था। अचानक सड़क के बीचों बीच ही अवाम के बीच ही नूर बानो पर बेरहमाना तरीके से कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गए। फौरन ही पुलिस ने इतला के साथ ही मौके पर पहुँच कर शदीद जख्मी हालत में खातून को बगैर इलाज ओवेसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। खातून की बेटी और देवर ने मीडिया के जरिए बयान देते हुए कहा कि इससे कबल भी हमला आवर हबीब की हरासानियों से तंग आकर इसके खिलाफ कई मरतबा कंचनबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन हबीब के खिलाफ पुलिस की जानिब से कोई माकूल कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि खातून के देवर के बच्चों पर ही फेक एंड फॉल्स केसेस बुक करते हुए देवर के बच्चों को ही पुलिस उजियतें देते आ रही है। कंचनबाग पुलिस की इस सबसे बड़ी लापरवाही की वजह से आज मासूम खातून अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि पुलिस हबीब के साथ इतने बेहतरीन और फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए उसकी तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों पर पर्दाकशी कर रही है। अब देखना यह होगा कि कंचनबाग पुलिस इस बेरहमाना कातिलाना हमले की वारदात के बाद जागेगी या फिर गफलत की नींद में ऐसे ही सोते रहेगी। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है रिपोर्टर शेख मोहम्मद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम सबरीन है, मेरे मम्मी का नाम नूर बानू है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने में स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, और दूसरी जगह भी तीन बार कंप्लेंट दिए कि तीन बार भी केस फाइल करे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने और लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई उन लोग हमें कुछ करे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे, ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती थी? 45 है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग चार बहन दो भाई हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? तीन बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे उन्होंने। वन ईयर से चल रहा, कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश करे पर बाद में रुक रहा ही नहीं था। मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया, पूरा सत्तूर से मारे गए थे। पूरा नाम शेख हबीब नाम है उसको, शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते हो? उन्हें क्या करते काम?
नहीं मालूम, बेकार नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, वहाँ औरतों के पीछे रहता। नूर बानू जी, मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है, मैं बाबा नगर केबोला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है। आईडी के ऊपर कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हाँ हो गया जाओ, हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूर बानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। जो इसके लिए अभी भी अभी सी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? साल डेढ़ साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हमको। हरासमेंट की वजह से कर रहा हूँ, वजह हरासमेंट कर रहा, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा हूँ। नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने, खाली बिली का हरासमेंट कर रहा हूँ, उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद साले इनके पास, नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता था टीआरएस के, हमको नहीं मालूम, सुनने में आया सके कोई टीआरएस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट दे, कोई पुलिस एक्शन? नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दिए। नहीं कल लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े प्रेशर कुछ पकड़े? नहीं मालूम अभी कुछ नाम, अभी मालूम नहीं पकड़े गया नहीं गया, अभी कुछ नहीं मालूम कहाँ है इस वक्त, नहीं मालूम। आप कौन हो ना? मैं किसको? लेडीज का कौन? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जब आपको सतारा जो बोल रहे हैं आप, क्या जी कुछ हरासमेंट? मैं ऐसे सुनने में आया हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा, शादी हुई ना? शादी थी तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा आप, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा मेरे को।